और राइड के बारे में और एक बात बताना था कि हम जो जा रहे हैं ज़्यादा नहीं, 2 या 3 दिन का राइड है, कुछ इस तरीके का लोकेशन पर आ चुके हैं। और तो ये अपना थंबनेल भी हो गया, बाइक को पूरा अच्छे से सेट कर दिया पूरा भयंकर। सो अभी हम जा रहे हैं एक साइड बौद्ध की तरफ जा रहे हैं, हमारा ये पास में 32-30 समथिंग ऐसा होगा, 30-32 ऐसा किलोमीटर होगा हमारा रेडखोल से। जस्ट ऐसे जा रहे हैं, थोड़ा रील वील बनाने घूमने के लिए जा रहे हैं। 3-4 लोग जाएंगे, बूला जाएगा, बादल जाएगा और एक बादल जाएगा। तो हम चारों ही जा रहे हैं, लेकिन 2 बाइक पे जाएंगे, मैं और शायद बादल जाएंगे, और दूसरे में बूला और बादल जाएंगे शायद। तो अभी चलते हैं, अभी लेने जा रहा हूँ उनको। तो करते हैं अपना ब्लॉग का शुरुआत। सो व्हाट्सअप गाइस, हेलो हाय नमस्ते सभी को मेरा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पहुँचने में, 3:20 ही हुआ है शायद, पहुँच जाएंगे 3:45 को पहुँच जाएंगे। और वो रहे बाहर, सब खड़े हैं वहाँ पे। तो चलते हैं, उनको लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो अभी निकल चुके हैं और इस बाइक पे जा रहे हैं, बुला और बादल जा रहे हैं इस पे, और मेरे पीछे बादल बैठा है। तो हम चारों ही जा रहे हैं बस। और आपको एक बात ही बताना था कि हम थोड़ी मतलब और ज़्यादा नहीं, कुछ दिनों के बाद एक राइड प्रोग्राम कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं 500-600 किलोमीटर का होगा अप एंड डाउन। कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपको इसका नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा। और उस वजह से थोड़ा मैंने अपना बाइक का थोड़ा काम भी करना है, सर्विस करना है बाइक का, और आगे का ब्रेक भी थोड़ा ख़त्म होने वाला है, उसको भी करना है। और अपना कुछ सामान भी ऐसे ऑर्डर दिया हूँ बाइक के लिए, और ऐसा ज़्यादा कुछ तो बाइक में करना नहीं है क्योंकि बाइक पूरा फुल रेडी है। मन क्या ले ओ और पकड़ो निकल जाओ, ऐसा ही पूरा रेडी करके रखा हूँ बाइक को। टाइम टू टाइम सर्विस होता है, और अभी शायद 20,000 में शायद सर्विसिंग हुआ था, अभी चल चुका 21,783 ऐसा कुछ चला है। तो यहीं से पूरा सारी सर्विस करके, और हम जो जा रहे हैं आई थिंक December 3 को जाएंगे, और जो जाएंगे हम कहाँ पे तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको सबको बताऊँगा, कहाँ जा रहे हैं, कितने लोग जाएंगे, क्या क्या सब। तो अभी चलते हैं फिर, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि अभी टाइम तो हो चुका है, 3:30 इधर ही हो गया है। तो थोड़ा ज़्यादा जितना जल्दी मेकअप करेंगे उतना जल्दी पहुँचेंगे बहुत, और थोड़ा रील वील शूट करेंगे उधर। अब बादल रहेगा अपने कॉलेज में, मेरे पीछे जो बादल बैठा है वो अपने कॉलेज में रहेगा। और ऐसे ज़्यादा कुछ बाइक नहीं जा रहा, दोनों बाइक जा रहे हैं, और बादल का एम्प्टी नहीं जा रहा क्योंकि वो वहाँ पे रहेगा, तो बोला बाइक लेकर क्या करूँगा, उधर रखने के लिए जगह नहीं है, उसके दोस्त के रूम में या हॉस्टल में रहेगा, कल फिर चलाएगा वहाँ से। तो अभी इसको छोड़ेंगे उसके कॉलेज में, तो उसका कॉलेज में क्या वेलकम कुछ हो रहा है, तो उधर छोड़ेंगे इसको और निकलेंगे वहाँ से। तो अभी थोड़ा भगाते हैं बाइक को, और टाइम थोड़ा मेकअप करते हैं, और यहाँ पे रिएक्शन चेक कर सकते हो पूरा, लड़कों का रिएक्शन ना मिले ना मिले, लड़कियों का तो रिएक्शन मिलता है कम से कम, इतने में हम खुश हैं भाई। अच्छा। और राइड के बारे में और एक बात बताना था कि हम जो जा रहे हैं ज़्यादा नहीं, 2 या 3 दिन का राइड है, मतलब 3 को जाएंगे तो वहाँ पर रहेंगे, 4 को फिर और एक जगह जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, और 5 तारीख को रिटर्न करेंगे। तो शायद 2 या 3 ब्लॉक करूँगा उधर जाके, तो वो तब देखेंगे कितना ब्लॉग होगा क्या होगा। और अभी तो अपना एक ब्लॉग शूट किया है लेकिन अपलोड नहीं किया है, एडिट भी अच्छे से नहीं हुआ है क्योंकि आईफोन का थोड़ा मेरा इशू हो रहा था, तो उस वजह से उसको थोड़ा रिसेट करना पड़ा, तो सब डाटा इधर उधर ट्रांसफर करके बहुत ही मतलब चिकचिक वाला काम था मेरा, तो उस वजह से अभी तक एडिट वेडिट नहीं किया। रुके हैं क्योंकि अभी वो लोग नहीं आ रहे हैं पीछे से, थोड़ा यहाँ पर रुके हैं अभी, और बादल मेर जा रहे हैं, येरा बाइक वो वहाँ पर खड़ा है, हम तो यहीं पे ही खड़े हैं अभी, बादल और सचिन का वेट कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं आए, तो यहाँ पे थोड़ा खड़े हैं और वेट कर रहे हैं थोड़ा, और यहीं पे देखते हैं थोड़ा टाइम वेट करते हैं फिर आगे जाएंगे, अभी तक तो नहीं आए, बहुत पीछे रह गए शायद, और अभी थोड़ा वेट करते हैं वो लोग आए उसके बाद निकलेंगे हम। वेट किए थे आ गए अभी और निकलते हैं, यहीं पर 3:42 हो चुका है, तो शायद पहुँचते 4 बज जाएगा, तो अभी थोड़ा रील वील शूट करते हैं और चलते हैं आगे। व्यू दिखाने के लिए कैमरा ऑन किया, इस तरफ भी पूरा धान का मतलब फार्मिंग हो रहा है, इस तरफ भी हो रहा है, दूर दूर तक बस धान ही धान है, मतलब पूरा औसम लुक आ रहा है, मतलब ऐसे गांव में रहने का बहुत मन करता है क्योंकि गांव में से मतलब हरियाली होता है मस्त पूरा। और मैं जहाँ पर रह रहा हूँ ये भी इतना बड़ा कुछ टाउन नहीं है, रड़ाकोल छोटा सा ही टाउन है, वो भी थोड़ा जंगल के जैसा है, मेरे को ऐसा पसंद कि पास में गांव हो, थोड़ा दूर के मतलब थोड़ा पास में एक बड़ा शहर हो,
तो शहर पे जाके वीडियो शूट करो फिर चले आओ। लेकिन ऐसे गांव में रहने से मस्त पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी, हर यहाँ पे ग्रीनरी ग्रीनरी, यहाँ इधर भी मस्त ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। और अभी तो अपना जो विंटर सीजन भी चालू है तो इतना ज़्यादा मतलब धूप नहीं लग रहा है। और टोल बूथ, यहाँ पे टोल गेट बन रहा था तो अभी लग रहा है मेरे को टोल गेट स्टार्ट भी हो गया होगा। तो शायद बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ, करीबन कई महीनों के बाद लास्ट शायद मैंने आया था अपना जो एक यहाँ पे दंगा हुआ था संबलपुर में हिंदू मुस्लिम का, तो उस वजह से थोड़ा नेट वेट कट गया था, उस वजह से बस नेट चलाने के लिए यहाँ पे आ रहा था मैं। वो तब एक बार आया था शायद, अभी उसके बाद तो नहीं आया, अभी उसके बाद आ रहा हूँ। तो ये करीबन दो या तीन चार महीने के बाद आ रहा हूँ, तो शायद अभी टोल स्टार्ट भी हो गया होगा, क्योंकि उस टाइम तो पूरा बन के रेडी था। ओ ट्रक वाले भैया जाने दो, किधर ओवरटेक मार रहा है रे बबुआ। तो सोच रहा था स्टार्ट हुआ होगा, अभी तक भी स्टार्ट नहीं हुआ, ऐसा ही है बस, अभी तक भी स्टार्ट वार्ट कुछ नहीं हुआ है, बस यहीं पे ये चल रहा है। और ये 3-4 लेन ही हो बस, हमारा रड़कों से बहुत जाने के बीच पहले कोई टोल बोल नहीं था, अब एक टोल भी आ गया भाई। लूट लो भाई। एक तो सच्ची बताऊँ तो मेरे को इंडिया गवर्नमेंट में जितना मतलब टैक्स ले रहा है कोई सर्विस अच्छा नहीं हो रहा है, रोड पूरा ख़राब का ख़राब रह रहा है। गाँव वाँव में जाओ तो रोड ही नहीं रहता है, मिट्टी का रोड था वो होता है भाई। इतना पैसा ले रहे हो, सब कर रहे हो, रोड तो अच्छा बनाओ। अभी ये 2 लेन है, 2 लेन में ऐसा टोल लगा रहे हैं भाई, अगर 4 लेन होता तो वो अलग बात है। 2 लेन में भी अपना क्या बोलते हैं कि अपना जो टोल बिठा रहे हैं वो क्या करेगा भाई। सच्ची में अगर सच बताऊँ तो मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वही ज़्यादा सफ़र करते हैं, हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग ही ज़्यादा सफ़र करते हैं, क्योंकि हाई क्लास को तो कुछ मतलब नहीं होता, और अपने जो लोअर क्लास होते हैं उनको तो गवर्नमेंट सब देता है। ये बात ऐसे ही बस बता रहा हूँ, किसी को ऐसे मेरा दुश्मनी नहीं है तो उस वजह से नहीं बता रहा हूँ, बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि छोड़ और क्या बताऊँ, ज़्यादा बताऊँगा तो फिर क्या क्या हो जाएगा आगे, फिर तो रहने दे जिसको, फिर चलते हैं। तो अभी बीच में थोड़ा रुक के होली बोली मार रहे थे, तो यहाँ पे मेरा हाथ में एक घाव भी हुआ है, एक क्लच से हुआ है। तो अभी बाइक को थोड़ा भगाते हैं, अपना जेएस भाई का जेएस ट्रेन जो है अपना पाजी, उनका तो डायलॉग है 200 200 200, हमारा डायलॉग है 100 100 100, क्योंकि हमारा 100 से ज़्यादा जाएगा नहीं, ये 200 तो कभी जाएगा नहीं। अभी ट्राई करते हैं अच्छा सा लीन करते हैं यहाँ पे, और लीन करते ही निकलेंगे, लीन करते चलते, क्योंकि अपना नी तो नहीं लगा सकता क्योंकि नी में कोई गार्ड वार्ड नहीं पहना है। तो ऐसे बस भगा रहा हूँ, निकलते जा रहे हैं। मेरे को सबसे डर लगता है ये टर्निंग में, क्योंकि ऐसे कॉर्नरिंग करते रहते हो मतलब सामने का तो दिखाई नहीं देता, ऊपर से साला जो दूसरे लेन का अपना गाड़ी वाला है वो क्या करते हैं टर्निंग में कभी कभी ओवरटेक करते हैं, तो उस वजह से थोड़ा मेरे को डर लगता है। आप अपने अच्छा खासे स्पीड में हो गए 100 110, वो लोग निकल आएंगे, ब्रेक फ्रेक नहीं लगता है, सीधा जाकर ठोक दोगे उधर, वही बस एक चीज़ मेरे को डर लगता है। और यहाँ पे एक मंदिर है तो यहाँ पे मेरे को अच्छा लगता है, ये जो फ्लैग उठता रहता है एकदम मस्त लगता है, क्या मस्त लग रहा है ये फ्लैग भी। तो ये अपना जो मंदिर है यहाँ पे है भगवान जी, और इसका जो फ्लैग अच्छा लगता है पूरा। और चलो चलो चल मेरी धन्नो, तो अभी थोड़ा भगाते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा स्पीड भी नहीं जाएगा लग रहा है मेरे को भाई, चलिए भगा रहा हूँ फुल थ्रॉटल पूरा। यहाँ पे जो चौक होता है यहाँ पे थोड़ा बड़ा कभी कभी चेकिंग करते रहते हैं, तो उस वजह से थोड़ा देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे तो हेलमेट नहीं पहना है, हेलमेट का भी कोई टेंशन नहीं है, आगे का एक बस नंबर प्लेट नहीं है और दूसरा हमारा साइलेंसर, ये दो चीज़ ही। तो जब ये रोड पहला हुआ था, मैं जब आया था यहाँ पे पता नहीं था रोड ऐसा हुआ है, तो क्या क्या एक बार वहाँ से ऐसे निकल गया और वहाँ से ऐसे भागा गया, वहाँ से यहाँ पे फिर जॉइंट किया यहाँ पे। लेकिन भाई सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को जब बहुत आता हूँ ना मतलब अलग सा ही फील आता है, क्योंकि यहाँ पे जो अपना महानदी का है यहाँ पे, और मस्त ठंडा ठंडा हवा चलता है,
मतलब छोटा सा टाउन है लेकिन अच्छा लगता है। बस यहाँ पे एक दिक्कत लगता है मेरे को, यहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं है। वो भाई बड़ा मेरे को एक ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या बोलते हैं इसका ये नहीं है हमारा रेलवे स्टेशन नहीं है, वो मेरे को थोड़ा खटता ही है बात। बाकी ये इलाका वाइज बहुत अच्छा है, मस्त व्यू है, क्या मस्त हवा चल रहा है, ठंडा ठंडा थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा गर्म हवा भी लग रहा है। बीच में पर ठंडा लग रहा था, अभी थोड़ा गर्म गर्म हवा लग रहा है। तो अभी ब्रिज आएगा, ब्रिज से नीचे थोड़ा उतरेंगे, वहीं पे रील वील थोड़ा शूट करेंगे। और आई थिंक इस ब्लॉग में आपको बता भी दूंगा कि हम कैसे रील शूट करते हैं, क्योंकि उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा सोचा था, लेकिन देखते हैं अभी यहाँ पे बनाते हैं, अगर होगा तो फिर और एक वीडियो बनाएंगे। तो शायद रेसिंग वेसिंग कर रहे हैं दोनों, KTM RC है 220 और RC, मेरे को लग ही रहा था वहाँ से रेसिंग कर रहे हैं क्योंकि भगा रहे थे उधर से। और भाई अगर आप लोग कहीं पे रेसिंग कर रहे हो तो प्लीज़ अपना हेलमेट वेलमेट पहनो। तो यहाँ नीचे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा शूटिंग वूटिंग करेंगे यहाँ पे। अभी यू टर्न लेते हैं, गाड़ी बढ़नी है, यू टर्न लेते हैं नीचे पूरा, तो आगे चलाया वहाँ से नीचे जाएंगे और नीचे करेंगे शूट। यहाँ से नीचे चलते हैं। ओ भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ये एक डर होता है बाइक ठीक से उतरता ना डायरेक्ट मिट्टी। और इधर रुकते हैं, वो लोग आएंगे उसके बाद जाएंगे यहीं कहीं झाड़ियों वाड़ियों में घुस जाएंगे वीडियो करने के लिए। तो अभी यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं, वो लोग आएंगे उसके बाद निकलते हैं। कुछ इस तरह की जगह पे आ चुके हैं और मस्त लोकेशन तो मस्त है। अभी जा रहे हैं और ये हमारे सामने अपना मानदी है, तो देखते हैं नीचे बाइक उतरेगा तो वहाँ से थोड़ा बाइक को नीचे भी उतारेंगे। थोड़ा तो जा रहे हैं, मैं तो काफ़ी ऐसा नहीं आया, फर्स्ट टाइम से चल रहा हूँ। और भाई पानी क्या जा रहा है यार, और ये बस लोकेशन ही लोकेशन है यहाँ पे इतने बड़े बड़े। और नीचे चलते हैं, थोड़ा बाइक को लेके नीचे उतरेंगे और उसके बाद थोड़ा देखेंगे जहाँ पे होगा वहीं पे बनाएंगे। वो मैं गलत चलाया लगता है, हाँ निकल दूंगा यहाँ से। तो अपना बादल भाई रह गया पीछे, मैं चलाया आगे पूरा। थोड़ा फूडिंग करते करते अपना थोड़ा क्या बोलते हैं प्रैक्टिस हो चुका है अपना पूरा, ऊपर नीचे हर तरह से निकालूंगा बाइक को पूरा मैं आज। ट्रैक्टर आ रहा है, साइड कर देते हैं थोड़ा, निकलने देते हैं। और कहाँ पे बनाएं, लोकेशन तो मस्त ही मस्त है, वहाँ पे तो बाइक भी नहीं रहेगा लगता है मेरे को। इस तरीके का लोकेशन पर आ चुके हैं और देख रहे हैं जाके कि बाइक जाए कि नहीं जाएगा। मेरे को लग रहा है ये तो चला जाएगा, ये इसका थोड़ा डाउट लग रहा है मेरे को, क्योंकि हर तरफ अपना क्या बोलते हैं इसको हिंदी में तो मेरे को मालूम नहीं है, यहाँ पे बाली बोलते हैं और रेत, हाँ हिंदी में रेत बोलते हैं। तो वन टाइप ऑफ रेगिस्तान की जैसा दिख रहा है, तो कहाँ पे बाइक घुसें कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा गीला भी है, तो वहाँ पे अगर बाइक गया तो नीचे भी दब सकता है। तभी देखते हैं आगे उसको भगाते हैं बाइक को, यहाँ से ऐसे काट के वहाँ से लेना पड़ेगा वहाँ पे, अगर होगा वहाँ पे करेंगे, नहीं तो उधर चले जाएंगे पूरा उस साइड करेंगे। मस्त ब्लॉग ब्लॉग भी अगर तरीका होगा मस्त रील आएगा। तो अभी जितने लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए तो नीचे जाके इंस्टाग्राम आईडी आ रहा होगा फॉलो कर लो, तो अभी इंस्टा फॉलो कर लो तो मस्त मस्त आपको रील दिखना मिलेगा और शॉर्ट्स पे भी आपको दिखने मिलेगा, क्योंकि अपना इंस्टा पहले आता है शॉर्ट्स में बाद में आता है। तो आप जाके इंस्टा पे पहले फॉलो कर लो तो आपको अच्छा अच्छा रील मिल जाएगा। तो अभी ये बाइक जाएगा, देखते हैं बाइक कितना दूर जा रहा है क्या, उसके बाद मेरा बाइक फिर लेकर जाएंगे अंदर। और वो हेमलेट नहीं पकड़ पा रहा है अपना, ओ चिचा हेमलेट, हेमलेट वाले चिचा, ओ माय गॉड, अपना थंबनेल मिल गया, थंबनेल मिल गया, एक सेकेंड थंबनेल मिल गया। ये भगवान थंबनेल मिल गया, एक थंबनेल का मां बहन कर दिया साले ने। तो अभी बाइक को थोड़ा हम रेत में घुसा रहे हैं अपना पीछे का जो टायर है, और बाइक को थोड़ा ऐसे करने के चार मतलब सीधा करेंगे। चेक करो भाई, भाई साहब घुसा 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 अंदर जाएगा, बस 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 हो गया। तो ये अपना थंबनेल भी हो गया, बाइक को पूरा अच्छे से सेट कर दिया पूरा भयंकर, अलग ही लगा था सेट किया है भाई साहब। मेरा भी शायद लाऊंगा तो भगवा, लेकिन मेरे में क्या होगा, हुईल कवर लगा है तो उसमें बाली भी चला जाएगा अंदर, हमारा रेत चला जाएगा,
मस्त वीडियो आएगा पूरा, मैं इसमें ही वीडियो कर लूँगा, इसमें ही छोड़ दूंगा, अपना बाइक ले जाऊँगा इधर, भाई मेरे में नहीं होगा, मालूम है मेरे को। तो अभी थोड़ा रील शूट चल रहा है पूरा, मतलब सांस चढ़ गया पर बाइक को ऐसे करते हुए, भयंकर इसको ऊपर रखे हैं अभी। तो अभी फ़ोटो वोटो इसमें आएगा आपको इंस्टा पे, तो वन टाइप ऑफ थंबनेल भी देख लो इसको, थंबनेल भी डाल देंगे इसको, मस्त आएगा पूरा। तो अभी अपना बाइक भी ऐसे खरीद दिया पूरा इधर, वो थोड़ा सीधा है, ये थोड़ा ज़्यादा पीछे हो गया मेरा टेल्ट, भाई मेरे को लग रहा है मेरा टेल टूटेगा लेकिन, और बाइक का नीचे से इतना गंदा दिख रहा है पूरा। तो अभी बादल ऐसे यहाँ पे थोड़ा शूट करेगा हमारा, तो मेरा 2-3 शॉट हो गया यहाँ पे, और दूसरा दूसरे टाइप के शॉट लेंगे। फास्ट टाइम ऐसे बाइक को रखा हूँ इधर, साला मूवी ना ऊपर चढ़ जाए पूरा निकल जाएगा, नहीं तो मूवी फूवी बाहर। तो जितना जल्दी हो सके शॉर्ट्स वॉर्ट्स पूरा करते हैं, गाड़ी को थोड़ा नीचे लाते हैं अपना, फ़ोटो वोटो भी थोड़ा क्लिक किया है स्टोरी वोरी डालने के लिए, और घर में कभी ऐसा बाइक को रख के नीचे से पूरा साफ करूँगा। और इसका अभी थोड़ा शूट चल रहा है फ़ोटो और वीडियो का, तो इसका ख़त्म करते हैं और फिर बाइक को नीचे करेंगे ज़्यादा जल्दी, जितना जल्दी हो सके नीचे करेंगे। पूरा सांस चढ़ चुका है अभी और टाइम भी हो चुका है 5-7, और अभी निकल रहे हैं यहाँ से, वहाँ पे पूरा बाड़ी बाइक रख के पानी में थोड़ा नीचे उतर के, और सांस वास पास पूरा चढ़ चुका है मेरा पूरा अभी अभी। नेक्स्ट कभी और एक दिन आएंगे फिर दूसरे दूसरे कौन सा शॉट लेंगे, अभी तो सभी शॉट लेना मुमकिन नहीं है क्योंकि अभी थोड़ा शाम भी हो चुका है तो कैमरा भी इतना नहीं आएगा अच्छा। तो अभी निकाल रहे हैं यहाँ से बाइक, थोड़ा रनिंग वनिंग शर्ट नहीं है मेरे पास एक भी, तो वो थोड़ा लेंगे और उसके बाद निकलेंगे फिर। और पैर में भी थोड़ा लगाया बाइक यहाँ से निकालते हुए, तो अभी पेट्रोल का भी साइन है थोड़ा, मतलब बोल भी नहीं पा रहा इतना सांस चढ़ चुका है मेरा पूरा। अभी निकलते हैं ऊपर, थोड़ा रनिंग शर्ट लेंगे, उसके बाद अंदर थोड़ा जाएंगे खाना पीना करने, और उसके बाद निकलेंगे। तो चलते हैं बाहर, अभी सब देख के निकलना पड़ेगा, गाड़ी वाड़ी आता रहता है, कुछ नहीं यार चलते हैं। भाई शाम भी हो चुका है और मेरा वाइजर भी टिंटेड है, वाइट वाइजर नहीं लगा, तो वो एक प्रॉब्लम करेगा मेरे को। हाँ चल तो रनिंग शर्ट ले रहे हैं, पीछे आ रहा है यहाँ पे, अब देख सकते हो यहाँ पे कैमरा चल रहा है, पीछे बुला आ रहा है, अभी थोड़ा लेते हैं। मेरा तो थोड़ा रनिंग शर्ट हुआ है, आगे फिर थोड़ा लेंगे। और आज हुईली हुई का कुछ प्लान नहीं है क्योंकि पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है, बाइक वहाँ पे लग गया थोड़ा, तो थोड़ा पेन हो रहा है, तो उस वजह से थोड़ा शायद हुईली हुई नहीं मार सकता हूँ। तो देखते हैं फिर भी जितना होगा करेंगे एक दो। और अभी तो मेरा टेंटेड वाइजर है, तो अभी वाइजर तो मतलब डाउन करके तो चला नहीं सकता, ऐसे ही खुला करके चलाना पड़ेगा रात भर। और मैं अपना चश्मा भी लेकर आया था, अपना नॉर्मल जो आंटी ब्लू का चश्मा है मेरा, तो ये पहन के बाइक चलाऊंगा। अभी बाईपास की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से अपना यहाँ पर मिलता है कौन सा क्या समोसा का, कौन सा समोसा पे चिकन समोसा, हाँ तो चिकन समोसा यहाँ पर कोई स्पेशल मिलता है, तो वो खाने जा रहे हैं अभी और आपको भी दिखाएँगे। तो वहीं से खा के फिर निकलेंगे घर, ये तो यहीं पे रह जाएगा, ये नहीं जाएगा बादल घर नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा। और कॉलेज भी अपना दोस्तों के साथ जाएगा, हमारे साथ नहीं जाएगा। तो अभी भाई साहब जब ऑफ कर दे रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है पूरा। अभी इस लाइट की वजह से थोड़ा दिखाई दे रहा है, वाइट लाइट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, येलो लाइट की वजह से थोड़ा दिखाई दे रहा है सामने। अभी भाई साहब खोलता हूँ, चलाता हूँ और जहाँ पर खाते हैं वहाँ पर आपको मिलता हूँ, मतलब टेस्ट कैसा था आपको लोकेशन बता दूंगा, अगर किसी को खाना है या फिर कोई आना चाहता है अपने रेड़ाखोल से तो कहीं से भी यहाँ पे आके खा सकता है। तो ये जो रोड है ये बेसिकली यहाँ से भुवनेश्वर जाने का रोड है, ये भुवनेश्वर कटक पूरी यही रोड से जाते हैं, और ये रोड भी बोलते हैं तो बहुत अच्छा है, तो जो भी जाता है इस रोड से ही जाता है। तो अभी चलते हैं आगे, वो दोनों तो निकल चुके हैं आगे पूरा, और मेरे पैर में भी लगा है तो उस वजह से और ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना, टाइम भी हो गया था। और ये अभी वैसे ही ये अपना विंटर सीजन चल रहा है, तो उस वजह से ज़्यादा जल्दी अपना अंधेरा हो जा रहा है, तो बना नहीं सकते ज़्यादा वीडियो। और यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है पूरा मस्त माहौल पे, भाई साहब पक्का मेरे फटने वाला है, जब घर जाऊँगा पक्का फटेगा,
क्योंकि अभी यहाँ से थोड़ा सर्दी लगना चालू हो चुका है और मैं हाफ स्लीव में हूँ, फुल स्लीव नहीं पहना है। तो जैकेट वैकेट भी कुछ नहीं लगा और इतना ज़्यादा मतलब जो कीड़े आके मेरे मतलब चश्मे में लग रहे हैं, मुंह में लग रहे हैं, पूरा कैमरा में भी लग रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए धीरे धीरे चला रहा हूँ। जानबूझ के चश्मा लाया था, नहीं पहनता तो चला भी नहीं पाता, आँख में डायरेक्ट लगते। अभी चलते हैं, धीरे धीरे पहुँचते हैं वहाँ पर, खाते हैं फिर निकलेंगे। और आपको कैसा लगा, मतलब टेस्ट कैसा था, क्या सब अच्छे से बताऊँगा। अगर कोई खाना चाहता है, कोई आके खाना चाहता है तो यहाँ पर आके आप खा सकते हो। और लोकेशन भी आपको बता दूँगा, मतलब कहाँ से हम कहाँ पे है, कितना दूर है वहाँ से, टोटल ए टू जेड सब बता दूँगा। तो अभी थोड़ा भगाते हैं बाइक को क्योंकि वैसे ही लेट हो चुका है अभी, तो और ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, निकलते हैं जल्दी जल्दी। तो वहाँ पे जो शौक आया था उस वहाँ से आपको लेफ्ट आना है और इधर आके ऐसा एक पानी का टैंक दिखेगा ऊपर, यहीं पे दुकान है, यहाँ पे वहीं पे ही मिलता है। तो आपको तो लोकेशन बता दिया प्रॉपरली, तो आपको यहाँ से मिलता है। और अभी यहाँ से अंदर से जा रहे हैं, पूरा टाउन के अंदर चल रहे हैं, यहीं से चल जाएंगे टाउन के अंदर और पकड़े हैं, जाके खाएंगे पिएंगे फिर घर को निकलेंगे। तो अभी चलते हैं, खाते हैं पीते हैं और आपको बाद में मिलते हैं, पूरा खा पी के आराम से। तो अभी यहाँ पे खाने के लिए रुके हैं, तो अभी हमें मरजाकुट बीच पे बोध में, तो अभी भाई यहाँ पे और सामान वामान नीचे है, तो अभी खाते हैं फिर निकलेंगे बाहर, मतलब घर जाएंगे फिर। तो अभी बादल भी जा चुका है और अभी हम घर निकल रहे हैं। हाँ, तो अभी निकल रहे हैं घर को, 6:45 हुआ है, घर पहुँचते घर शायद पहुँचते हमको हो जाएगा 7:30 ऐसा कुछ टाइम हो जाएगा। थोड़ा जानबूझ के थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हाथी वाती जो है एलिफेंट निकलने का बहुत क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटी होता है, तो इस वजह से थोड़ा स्पीड जा रहे हैं। अपना तीनों लाइट ऑन कर चुका हूँ मैं, पूरा हाई पावर में लाइट चल रहा है अपना और जा रहे हैं। और अभी आपको विजिबिलिटी कितना दिख रहा होगा देखिए, और जब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो विजिबिलिटी आप खुद ही देख लीजिए कितना है। R15 का इतना कुछ लाइट का पावर नहीं है, तो अपना पूरा फुल लाइट ऑन करके दोनों गाड़ी जानबूझ के पास में ही जा रहे हैं, तो अपना ज़्यादा थोड़ा लाइट दिखेगा तो ज़्यादा जल्दी जा सकेंगे, क्योंकि नहीं तो यहाँ पर क्या होता है हाथी वाती निकलने का बहुत डर होता है। तो इस वजह से थोड़ा स्पीड भी जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही एलिफेंट जोन भी है और एलिफेंट ऐसे ही निकल रहे हैं, और अगर स्लो गए तो अगर निकला तो कहीं भी नहीं जा सकते, तो इस वजह से थोड़ा भगा रहे हैं बाइक। ओ भैया हाय जाओ ठंडी, एक तो हाफ स्लीप में हूँ भाई, इतना ठंड लग रहा है सच्ची में, पूरा फट के हाथ में आ चुका है पूरा मेरा। बस हवा निकल गई, पागल तो निकल रहे हैं। तो एलिफेंट निकलने का यही पॉसिबिलिटी जगह है जहाँ पे एलिफेंट निकलता है, तो यहाँ पे थोड़ा बाइक को स्पीड करना पड़ेगा हमको। तो भाई साहब जो ठंडी मेरा मतलब मुंह भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, बहुत ठंड लग रहा है यहाँ पे पूरा, मतलब अपना जो हो रहा है होठ आपस में टकरा रहे हैं बस, और दांत भी अपने आपस में टकरा रहे हैं, मतलब ऐसे ज़्यादा मतलब बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ठंड लग रहा है पूरा, कुछ पहना नहीं है, बस राइडिंग ग्लोव्स लाया था वो ही बस पहना हूँ, राइडिंग ग्लोव्स और कुछ नहीं पहना। अभी ये जोन अगर पार कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यही एलिफेंट जोन होता है और उसके बाद एलिफेंट जोन नहीं है, आराम से जा सकते हैं। तो चलते हैं फटाफट, आपको सुनाई दे रहा होगा नहीं दे रहा मालूम नहीं, क्योंकि अपना जो वाइज़र है उसको तो मैं डाउन नहीं कर सकता, कंट्रोल वाइज़र है, तो इस वजह से मतलब जो बात है वो बोलूँ ना बोलूँ सोच रहा था, लेकिन फिर ही बोल दिया। एडिट करते टाइम देखूँगा अगर क्लियर आ रहा होगा टोन तो इसको डालेंगे व्लॉग में, और नहीं हुआ तो नहीं डालेंगे। वहाँ पे शायद एलिफेंट निकला है इस वजह से, अंदर जाके कोई कोई लाइट मार रहे हैं वहाँ से, अंदर से एलिफेंट निकले होंगे पक्का, ये यहाँ पे लाइट जो मार रहे हैं एलिफेंट ही निकले होंगे, ये देखो ये देखिए जो मार रहे हैं ये सब एलिफेंट निकले होंगे, इसलिए मारते हैं इधर आके, ये सब फॉरेस्टर लोग हैं अपना, फॉरेस्ट वाले हैं सब, ये देखिए यहीं पे पक्का एलिफेंट निकला होगा, इधर से यहाँ पे आके पूरा भीड़ हुआ है,
यही बात आपको बताने वाला था अभी, एलिफेंट निकला होगा इसलिए। तो अपना किस्मत ठीक है, एलिफेंट नहीं मिला अपन को, अपन लोग निकल गए यहाँ से। ये एलिफेंट जोन है जहाँ पे हर दिन एलिफेंट निकल रहे हैं। तो निकलते हैं फटाफट और घर चलते हैं, और लेट नहीं करेंगे यार, बहुत टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं, इधर ही 7 बज चुके हैं। और ठंड से पूरा मतलब जो हालत हो रहा है मेरा वो तो बता नहीं सकता। तो चलते हैं फिर फटाफट घर। तो अभी इस ट्रक के पीछे पीछे जा रहा हूँ, बहुत सा मतलब ठंडी लग रहा था, तो ठंड की वजह से क्या क्या कि इस ट्रक के पीछे पीछे से ही मैं करीबन 12 या 17 किलोमीटर बस इस ट्रक के पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो अभी करीबन 15 किलोमीटर तो इसके पीछे पीछे आया हूँगा, और आगे और 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर है, इसके पीछे पीछे जाऊँगा अपने घर तक, मतलब अपना जो आता है टाउन, टाउन तक चला जाऊँगा। वहाँ से तो इतना ठंड नहीं लगेगा यहाँ पे, लेकिन भाई जो ठंड हो रहा है ना पूरा, मतलब हाथ में ग्लोव्स है इसलिए हाथ को कुछ नहीं लग रहा, फिर ही फील कर पा रहा हूँ, हाथ थोड़ा जकड़ने जकड़ने ऐसा लग रहा है। तो भाई बहुत ठंड लग रहा है इसलिए बस इस ट्रक के पीछे 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 आ रहा हूँ, थोड़ा गर्म लग रहा है तो पीछे 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 ही जा रहा हूँ। तो मेरे पीछे सचिन और बादल भाई दोनों मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, मैं इस ट्रक को फॉलो करते जा रहा था उसके पीछे पीछे गर्म हवा लेते रहते, और वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं थोड़ा गर्म हवा लेते रहते, जानबूझ के ओवरटेक नहीं कर रहे हैं, चाहते तो ओवरटेक करके निकल जाते, लेकिन जो सर्दी हो रहा है भाई बाहर, ठंड भाई फटक जा फट जा रहा है पूरा सब कुछ, इतना ज़्यादा कुछ हमने स्वेटर वेटर कुछ नहीं पहना, इसलिए इसके पीछे पीछे चल रहा हूँ आराम से, स्लो 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 मध्यम मध्यम चल रहे हैं इसके पीछे पीछे। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने टाउन में, यहाँ से इतना सर्दी नहीं लग रहा है, लग रहा है लेकिन इतना नहीं लग रहा है, चल जाएगा। तो अभी चलते हैं घर। तो फाइनली पहुंच तो गए हैं अपना घर सही सलामत। तो वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना, अगर चैनल का अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना। चलते हैं ऐसे ही किसी मस्त से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।